हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। दोस्तों, आज फाइनली मैं पासीघाट जा रही हूँ बस्ती से, और आप लोगों को मैं आज पासीघाट, मेरी बस्ती से लेके पासीघाट तक जितने भी बस्ती है उसे मैं दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं पासीघाट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे उस दिन मुझे सर्जरी किया था, उसके बाद मैंने बस्ती आया था कुछ इमरजेंसी के कारण। तो आज मैं जा रही हूँ चेकअप करने। तो दोस्तों, होप करती हूँ मुझे रास्ता में कोई तकलीफ ना हो, और आप लोग मेरे साथ बने रहना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज हमारे बस्ती से लेकर पासीघाट के जितना भी विलेजेस है, मैं आप लोगों को पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ बस्ती से पासीघाट की ओर। अभी टाइम हो रहा है 10 AM। तो देखते हैं पासीघाट में कितने बजे पहुंचते हैं हम लोग। ये है, आप देख सकते हैं, ये है हमारा यामलिंग ब्रिज। मैंने उसने आप लोगों को दिखाया है ना, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, यामलिंग रिवर का व्यू वो देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये है हमारा बस स्टैंड, आप देख सकते हैं। अभी मैं हाईवे में पहुंच गई हूँ, और देख सकते हैं हमारा बस्ती ऊपर में है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ऊपर तरफ में है, वो देखिए हो रहा हमारा बस्ती, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं मारियांग पहुंचने वाला है। दोस्तों, आप लोग पहाड़ों का एंजॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे मारियांग के सामने में। बहुत सारे पहाड़ है, उन सब का आनंद लीजिए आप लोग। ये रहा, हम लोग अभी मारियांग टाउन में पहुंच गए हैं। ये हमारा मारियांग टाउन का जिप्पी है। अभी हम लोग पहुंचेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल मारियांग टाउन का, जो कि बहुत ही पुराना स्कूल है हमारा यहाँ पे। अभी तो मैं दिखाऊंगी, नज़दीक पहुंच गए हैं हम लोग। ये रहा हमारा मारियांग सेकेंडरी स्कूल का, हायर सेकेंडरी स्कूल का गेट। घर से जा रहे आप लोग को इसलिए अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है, कभी दिन फुर्सत में आप लोग को दिखाऊंगी अच्छी तरीके से। अभी ये रहा मारियांग टाउन में एंट्री हो गए हैं हम लोग। वेलकम टू मारियांग, देखिए गेट में लिखा हुआ है। अभी हम लोग बस टाउन के अंदर एंट्री करेंगे। अभी मैं मारियांग से निकल रही हूँ, कुछ काम के वजह से दीदी को मिलने गए थे, तो अभी मैं मारियांग से पासीघाट की ओर निकल रही हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर में हम लोग को दामरो विलेज मिल जाएंगे। अभी हमें पहुंच गई हूँ दामरो विलेज। ये रहा दामरो विलेज, लोगों को मैं दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये दामरो विलेज का नज़ारा है। अच्छी तरह बस्ती को नहीं दिखा पा रहा है, देखिए दस अब को रास्ता से मैं दिखाना पा रहा है, क्योंकि ये दामरो विलेज ऐसे है कि पूरा अपने अपने कॉलोनी होता है, तो जगह जगह में बैठता है, तो एक ही जगह में इकट्ठा होकर नहीं बैठता है, तो इसलिए इसे अलग अलग दिखाना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, ये दामरो विलेज का वो है हाईवे का रास्ता है। अभी हम लोग दामरो विलेज को पार करके पासी विलेज की ओर जाएंगे। पासी विलेज दामरो विलेज को पार करने के बाद मिलता है हम लोग के साइड से आने से। अब ये है वो, अब जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो जो हम लोग का ये रेमगर है, जो कि वो को पहाड़ को कटिंग करके रोड हाईवे बनाया है, तो देखने में बहुत ही डरावना लगता है जगह। तो एक बार साइड से गिर गया बोलने से आपका लाश भी मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। अब देख सकते हैं नज़ारा, दामरो का ये है खेती लोग है, ये जो नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। रेमगन का व्यू ये देखिए, ये है रेमगन, और ये देख सकते हैं आप लोग इसका
पूरा कटिंग करके इसको रास्ता का बनाया है, बहुत ही तकलीफ है। पहले हम लोग का यहाँ पर बोलरा रोड हुआ करते थे, कच्चा रोड, जो कि बहुत ही तकलीफ दिया करता था, ऐसे बहुत स्लिप करता था। तो अभी हाईवे बन गया तो बहुत ही आसानी से हम लोग का बस्ती में भी ऐसे जाने ऐसे आना जाना कर सकता है। यह है रेमगंज का व्यू। अभी हम लोग को मिलेगा पासी विलेज, मोपोम को मिलेगा अभी। एक्चुअली बस्ती को नहीं दिखा पाएगा, यह है पासी विलेज का एक रेस्टोरेंट। उसके बाद यहाँ से जाएंगे पासी वो को सिबुक को, वो अभी रास्ता ऐसे अंदर जा रहा है, वहाँ से जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा में पूरे भीग गए हैं, बारिश जोर जोर से गिर रहा है अभी। तो अभी थोड़ा कुछ बारिश से बचने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। अभी मैं बीचों बीच आ गई हूँ हमारे बासीगढ़ और मेरे बस्ती दालबिंग के बीच। मेरे बस्ती के नाम है दालबिंग और उसके बीचों बीच मैं बासीगढ़ और उसके बीचों बीच आ गई हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेंगे, बारिश उस तरफ से आ रहा है। तो अभी ये एक देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक तरफ से वो पियर का दहली यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेगा बारिश रुकने का। देख सकते बहुत ही जोर से बारिश गिर रहा है। और अभी हम ये यहाँ पे मेरे पीछे है दो झरना, देख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं बारिश से कवर करने के लिए। बहुत देर से बारिश रुकने की इंतजार में बहुत समय निकल गया। अभी ये रेनकोट लगा के जा रही हूँ दोस्तों। रहा पादू विलेज, अभी हम लोग पादू विलेज के नज़दीक पहुंच गए हैं। देख सकते हैं ये है पादू विलेज का गोदाम वगैरह। वो देखिए घर दिखाई दे रहे हैं आपको पादू विलेज का। यहाँ पे दो जगह है, एवंग और तांकुम है। तो अभी हम लोग एवंग को दिखाई दे रहा है, तांकुम ऊपर साइड में है, हम सिर्फ इसको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग ये फादर विलेज को पार कर लिया है। अभी हम लोग को थोड़ा सा झलक देखने को मिलेगा जरू विलेज का। वो देख सकते हैं हम लोग एक छोटा सा विलेज है ना, वो है जरू विलेज। और हम लोग को आगे भी दिखाऊंगी, वो देखिए वो है जरू विलेज। बहुत ही सुंदर है सामने से देखने से, लेकिन आज हमको समय नहीं मिल रहा है आप लोग को सामने से दिखाने का। तो इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ आज दूर से ही दिखाऊंगी, कभी दिन मैं आप लोग को जरूर विलेज में जाकर दिखाऊंगी। हमारे यहाँ का अपर संग जिससे विलेजेस को हमें दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। अभी हम लोग को देखने मिलेगा जैन विलेज को। वो देखिए वो दिखाई दे रहा है ना घर, ये रहा जैन, जो कि यहाँ से होके जरू को जाता है, जरू बस्ती को मिलता है। तो ये है जैन, यहाँ पे एक साफ सेंटर भी है। अभी जैन को हम लोग पार कर रहे हैं। ये जैन जो वो है पांगी साहब ट्राइब से बिलोंग करता है ये विलेज। और अभी हम लोग को मिलेगा सिली विलेज, ये जो पादाम साब ट्राइब से बिलोंग करता है। तो अभी हम लोग को ये टर्निंग से देखने को मिलेगा सिली विलेज का नज़ारा। वो देखिए सिली विलेज का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। अभी ये सिली विलेज हम लोग पहुँच गया और इसके बाद हम लोग को मिलेंगे पोंगिंग विलेज। पोंगिंग विलेज जो पोंगिंग विलेज भी पांगी साब ट्राइब से बिलोंग करता है। तो आप लोग को मैं अभी पोंगिंग विलेज दिखाऊँगी। तो आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे पहाड़ को काट के रास्ता बनाया है, वहाँ से जाते हैं पोंगिंग विलेज को। और ये पोंगिंग विलेज ही है जो इस सियांग को पार करने के बाद अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट विलेज है। उसके बाद पूरा आपको अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी विलेज है उसको देखने को मिलेगा। वहाँ पे नदी के सामने में है, वहाँ पे है पोंगिंग विलेज। और ये व्यू पॉइंट आपको खड़ा करके देखने से और भी नज़ारा अच्छे से सुंदर से देखने को मिलेगा।
और हम लोग सारे विलेजेस को पार कर लिए हैं। अभी हम लोग पहुंच जाएंगे पासीघाट के रानीघाट ब्रिज में। ये रहा रानीघाट ब्रिज, जो कि बहुत ही सुंदर है। वो है सियांग रिवर, आप देख सकते हैं। आपको तो मैंने उसी मैंने मेरे दूसरे ब्लॉग में दिखाया था आपको सियांग रिवर को। और अभी मैं बढ़ रही हूँ घर की ओर। आप लोग से मैं मिलूंगी घर पर, मैं बहुत थक गई हूँ। हेलो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ पासीघाट। अभी देख सकते हैं मैं घर पहुँच गई हूँ। अभी पहुँचा, अभी तक घर का ताला भी नहीं खोला है। तो मैं आज का ब्लॉग इसी पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।